इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 12 जुलाई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1949 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटा दिया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 12 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1290 में इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड प्रथम के आदेश पर यहूदियों को बाहर निकाला गया था। 1543 में आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने छठी और अंतिम पत्नी कैथरीन से विवाह किया था। आज ही के दिन 1690 में विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटों ने रोमन कैथोलिक सेना को पराजित किया था। 1801 में आज ही के दिन अल्जीयर्स की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को पराजित किया था। आज ही के दिन 1823 में भारत में निर्मित प्रथम वाष्प इंजन युक्त जहाज डायना का कलकत्ता में जलावतरण किया गया था। 1862 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना ने युद्ध में सैनिकों की वीरता को पुरस्कृत करने के लिए द मेडल ऑफ ऑनर की शुरुआत की थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म आज ही के दिन 1895 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। आज ही के दिन 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी थी। 1918 में आज ही के दिन टोकायाम की खाड़ी में जापानी युद्धपोत में विस्फोट में 500 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 1935 में बेल्जियम ने तत्कालीन सोवियत संघ को मान्यता दी थी। 1949 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को सशर्त हटाया गया था। आज ही के दिन 1970 में अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़ ने 600 लोगों की जान ले ली थी। 1990 में आज ही के दिन सोवियत नेता और रूसी संसद के अध्यक्ष बोरिस एल्तसिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। आज ही के दिन 1994 में फलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात 27 वर्षों का निर्वासन जीवन गुजारने के बाद गाजा पट्टी वापस लौटे थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का जन्म आज ही के दिन 1997 में पाकिस्तान में हुआ था। आज ही के दिन 1998 में फ्रांस और ब्राजील के बीच हुए फुटबॉल विश्व कप के फाइनल को 1 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा था। 2001 में आज ही के दिन अगरतला से ढाका के बीच मैत्री बस सेवा की शुरुआत हुई थी। प्रसिद्ध पहलवान और बॉलीवुड कलाकार दारा सिंह का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता प्राण का निधन आज ही के दिन 2013 में हुआ था। आज ही के दिन 2013 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।